खादर जो मेरे खानपुर विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा है उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, आपातकालीन स्थिति में किसी अच्छे अस्पताल का क्षेत्र में ना होना। कोई भी बड़ी इमरजेंसी घटना हो जाती थी तो हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश भागना पड़ता था। मैंने इसके संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि एक उपजिला अस्पताल खानपुर और लक्सर दोनों विधानसभाओं को मिलाकर बना दिया जाए, जिसके चलते इस भारी समस्या से, बड़ी समस्या से क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके और आपातकालीन स्थिति में जल्द से जल्द उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को मिल सकें। और इसी कड़ी में जब प्रस्ताव पास हुआ तो जो जमीन चिन्हित की गई थी राजपुरा में, उस जमीन पर स्कूल था, एक जो स्कूल बंजर खंडर हो गया है, बंद हो गया है, वो स्कूल नहीं चलता है, तो उस स्कूल की भूमि को चिन्हित करके भेजा गया था। SDM लक्सर द्वारा हरिद्वार जनपद गया DM साहब के पास, वहाँ से जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शिक्षा के उनको गया, वहाँ से DG हेल्थ को गया, फिर वापस आया, उसका हस्तांतरण के लिए NOC गई प्रशासन शासन से, फिर वो शिक्षा विभाग को गया क्योंकि मूल जो ज़मीन थी वो शिक्षा विभाग की थी। शिक्षा विभाग से लगातार लगभग 3-4 महीने फॉलो करने के बाद 3 दिन पहले माननीय मंत्री जी ने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी, स्वास्थ्य विभाग को उस भूमि के हस्तांतरण की, और कल उसका एक शासनादेश जारी हो गया कि ये भूमि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की जाती है शिक्षा विभाग से। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर आने वाले समय में खादर के लिए साबित होगा। 50 बेड का ये अस्पताल जो है 20 से 25 करोड़ रुपए की लागत से अभी इसका कार्य शुरू होगा, और 50 बेड को हमारा प्रयास रहेगा कि इसको 100 बेड तक ले जाएं धीरे धीरे, ताकि खादर की समस्त जनता को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खादर से बाहर ना जाना पड़े। मेरी प्राथमिकता खादर के किसानों को, आम जन को लाभ पहुंचाने की है और लगातार उस क्षेत्र में हम प्रयासरत हैं, क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की जो वहां पर सुविधाएं होनी चाहिए उनका बहुत बड़ा अभाव है। 20 सालों में खादर की स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो मेरा प्रयास है पहले इन सब चीज़ों को ठीक कर दिया जाए। दूसरी बात, सिडकुल का कार्य भी अब अंतिम चरण में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 फरवरी से पहले सिडकुल का भी उद्घाटन हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभारी हूँ, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी का मैं हृदय से आभारी हूँ कि बिना किसी भेदभाव के समान नज़र से सभी क्षेत्रों को देखते हुए आपने मेरे क्षेत्र पर जो परोपकार के कार्यों को जो आपने हरी झंडी दी है, जो उनमें आपका सहयोग रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे एक पत्र, एक मीटिंग इन कार्यों के संबंध में दिखा दें कि आपने की है, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपके गले में भी माला डालेंगे कि ये कार्य आपके द्वारा क्षेत्र के लिए कराए जा रहे हैं। देखिए, बड़ी बड़ी हाँकने से, बड़ी बड़ी बातें करने से, झूठा श्रेय लेने से इन सब से कुछ नहीं होता। सिडकुल के संबंध में पिछले 1.5 साल के अंदर लगातार 5 बैठकें मैंने उच्च अधिकारियों के साथ की हैं सिडकुल के, जिनके समस्त फोटोग्राफ्स, वीडियो सोशल मीडिया पर समय समय पर उपलब्ध होते रहे और मौजूद हैं। मैं तो जानना चाहता हूँ जो सिडकुल लाने की बात कर रहे हैं वो एक फ़ोटो ऐसा दिखाएं, एक वीडियो ऐसा दिखाएं जिसमें उनके द्वारा पिछले 1.5-2 साल में सिडकुल के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। किस तरह से आप क्या, कि मेरा प्रयास रहता है कि क्षेत्र के लिए आप 24 घंटे लगे रहें, प्रयासरत रहें, मंत्री जी के साथ लगातार संवाद होता रहा। पहली बार सतपाल महाराज जी जो हैं आए और स्वयं उन्होंने सभी तटबंधों का निरीक्षण किया और तत्काल उनके लिए राशि अवमुक्त करने के आदेश जारी किए। तो ये मैं मानता हूँ कि सरकार संवेदनशील है और जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए तत्काल होने वाले कार्य हैं, उनके संबंध में जल्दी से जल्दी कार्य करे जा रहे हैं, इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूँ।
और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से आभारी हूँ कि उनके द्वारा मेरे क्षेत्र में लगातार अच्छे कार्य कराए जा रहे हैं। माननीय सतपाल महाराज जी का भी मैं हृदय से आभारी हूँ, उनके द्वारा मेरे क्षेत्र को एक बड़ा बाईपास दिया गया और तटबंधों के कार्य भी स्वीकृत किए गए। मैं माननीय धन सिंह जी का भी, मंत्री जी का भी आभारी हूँ, उनके द्वारा मेरे क्षेत्र को एक उपजिला अस्पताल दिया गया। मैं इसके लिए पुनः उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सिडकुल के लिए आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ सिडकुल के सभी अवरुद्ध जो जिनके कारण कार्य रुके थे उन सभी कार्यों को तत्काल से उनका निस्तारण कराया और अंतिम चरण में सिडकुल आया। सिडकुल से समस्त हरिद्वार के लोगों को रोज़गार मिलेगा और ये कोई राजनीति नहीं है, कोई इसका कोई श्रेय लेने वाला, आज मैं विधायक हूँ कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, कल कोई और था, तो ये तो सभी की जिम्मेदारी है। कोई सिडकुल मेरे घर में नहीं लग रहा, कोई सिडकुल में मेरे बच्चे नौकरी करने नहीं जा रहे, तो मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, अच्छे काम करते रहिए। देखिए, जनता का विवेक है।